सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट में निर्मला जी द्वारा प्रस्तुत किया हुआ जो बजट है जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक की तरह ले जाने वाला है, उनके समर्थन के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था के कारण और सूरत जो इकोनॉमी पार्टनर है गुजरात का, तो ऐसे महत्वाकांक्षी भारत और सबके लिए आर्थिक विकास संरक्षित समाज करने वाले अंत्योदय ले जाने वाले बजट के लिए मैं डिजिटल गवर्नेंस थ्रू जो सरकार ने बजट दिया है उनका मैं समर्थन करती हूँ। मेरा शहर सूरत टेक्सटाइल और जरी हीरा उद्योग के लिए पहचाना जाता है। सरकार ने टेक्सटाइल की कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया है। वैसे निर्मला जी बहुत अच्छे से सुनती भी है और कॉमर्स मिनिस्टर भी यहाँ पे उपस्थित है, तो दोनों का मैं धन्यवाद करूंगी, क्योंकि वर्तमान बजट में टेक्सटाइल का जो यान विदेशों से मंगवाया जाता है पीटीसी पाउडर पर 10% एंटी डंपिंग ड्यूटी निरस्त होने से पॉलिएस्टर यान 3 से 4 रुपया सस्ता हुआ है, और जो कपड़ा बांग्लादेश और वियतनाम से भारत में डंप किया जाता है इसकी कीमत हमारे कपड़े से कम होने के कारण हमारे उद्योगों को दिक्कत आती थी। अन्य देशों का कपड़ा भी वाया बांग्लादेश से भारत में डंप किया जाता था। ऐसे कपड़ों पर सर्टिफिकेट और ओरिजिनल प्रावधान लाने से हमारे उद्योग में होने वाला नुकसान कम कर सकेंगे। मेरी सरकार से 2-3 और मांग भी है, जैसे फैब्रिक पर एंटी डंपिंग ड्यूटी, जरी पर जीएसटी स्लैब में बदलाव, सीपीटीपी को प्रोत्साहन देने हेतु कदम उठाना और एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी पर सब्सिडी, तब पर बाकी जो हमारी ग्रांट बाकी है उसके पैसे रिलीज करना और नई टब सब्सिडी का 10% से बढ़ाकर 40% करना, जॉब पर के लिए भी ITC 40 को सदा के लिए निरस्त करना जैसे विषयों पर उद्योग ने हमेशा उनसे डिमांड भी की है। एक जो महिलाओं से जुड़ा विषय है जो निर्मला जी को भी पता है, जैसे 3-पीस सूट जो कपड़े में आता है जिसका हाफ स्टिच बोला जाता है, जो घाघरा चोली होता है इसमें भी सिर्फ मैच करने के लिए जो देते हैं उसके ऊपर भी 12% से ऊपर है, तो हाफ स्टिच मटेरियल को भी 5% में करने की मेरी डिमांड है। उद्योगों की हीरा उद्योग को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। कोरोना की वजह से हांगकॉन्ग और सभी बाजार बंद होने के कारण गहनों की मांग पे भी एक्सपोर्ट पे काफी असर पड़ा है। इनकम टैक्स में केसों की संख्या को कम करने के लिए विवाद से विश्वास की योजना जो लाई गई है उसमें भी समय बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी लास्ट डेट आने वाली है। और इसमें मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी ने 6 कंपनी खोल दी, 2 साल तक उसने GST भी भरा, 2 महीने तक वो सब कुछ किया, लेकिन इसमें से 4 कंपनी बंद कर दी, आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जो केसेस वहां अपील में गए हैं उसके सिवाय भी अगर वॉलेंट्री हम लोग उनको ये मौका देंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा हमारा टारगेट हम पूरा कर सकेंगे। एक रियल एस्टेट के लिए भी जो बातें हैं कि कंपनी का दर्जा उसको मिले, और रियल एस्टेट में भी जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 300-400 करोड़ रुपए की लागत होती है उनके बोनाफाइड क्लियर है, वो पैसे भरना चाहते हैं, तो एनपीए में जाने से पहले उनको थोड़ा समय ज्यादा मिल जाए। जैसे रिजर्व बैंक को भी उन्होंने लिखा था, उन्होंने समय भी मांगा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। गुजरात में कोऑपरेटिव सेक्टर में सरफेसी अमेंडमेंट एक्ट जिसमें बदलाव की जरूरत है, क्योंकि इसका लाभ हमें मिल नहीं रहा है, तो ऐसी बहुत सारी जो योजना बनाई है जिसमें हम लोगों ने काफी सपोर्ट भी किया है, काफी GST के साथ में सिंप्लीफिकेशन में सरकार ने बहुत बातचीत करके बहुत अच्छा सुझाव भी दिया है। तो मेरी आपके माध्यम से निर्मला जी से और गवर्नमेंट से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई का भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। थैंक यू।